जैसे कि आप दोस्तों कंफ्यूज होंगे कि स्ट्रीम कैसे लें। दोस्तों आप सही वीडियो पर आए हैं, बने रहे इस वीडियो में, लास्ट तक देखें इस वीडियो को। चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज दोस्तों मैं लेके आया हूँ नई वीडियो आपके लिए। जैसे कि आप दोस्तों कंफ्यूज होंगे कि स्ट्रीम कैसे लें। दोस्तों आप क्या करते हो, कुछ गलतियाँ करते हो स्ट्रीम लेते टाइम। जैसे कि आपने दोस्त ने क्या कर रखी है, कॉमर्स ले रखी है, तो आप भी बोलते हो दो भाई भाई मैं भी क्या ले लेता हूँ, कॉमर्स ले लेता हूँ, साथ में पढ़ेंगे। पहली मिस्टेक ये करते हो। दूसरी, आपके बड़े भाई ने भाई ले रखी है आर्ट्स, तो मैं भी क्या ले लेता हूँ भाई, आर्ट्स ले लेता हूँ। शर्मा जी के बेटे ने लिया है साइंस ले लेते हैं, तो आप भी क्या ले लेते हो, साइंस ले लेते हो। आपकी बहन ने आर्ट्स ले रखी है, आप क्या ले लेते हो, आर्ट्स। आपके पापा ने बोला बेटा कॉमर्स ले ले, अकाउंटेंट बन जा, तो आपने अकाउंट्स ले ली। आपके ट्यूशन टीचर ने बोला बेटा तू अच्छा पढ़ता है, तू जाके साइंस ले ले, तो आपने साइंस ले ली। या सोसाइटी में कुछ मिथ होते हैं, जैसे कि साइंस वो बच्चा लेता है जो कि बहुत अच्छा पढ़ता है, पूरी हार्ड वर्क करता है, पूरे दिन पढ़ता रहता है, वही उन्हीं बच्चों को साइंस लेनी चाहिए। कॉमर्स वो बच्चा होता है जो एवरेज बच्चा होता है, कम मेहनत करता है, ऐसे फलाना ढिकाना, ये सारे क्या होते हैं, मिथ होते हैं। आर्ट्स वो बच्चे लेते हैं जो बिल्कुल ख़त्म है, जिन्हें कुछ नहीं आता, नालायक बच्चे होते हैं। ये सोसाइटी में क्या है दोस्तों, मिथ बने हुए हैं। ऐसा कुछ नहीं होता कि आपको साइंस ले रखी है तो आपको ये चीज़ होनी चाहिए, कॉमर्स के लिए ये होनी चाहिए, आर्ट्स के लिए होनी चाहिए। तो कुछ कुछ अलग अलग फील्ड्स होती हैं ये साइंस और आर्ट्स और कॉमर्स। इस वीडियो में आपको मैं पूरी डिटेल में बताऊँगा कि साइंस के अंदर क्या होता है, कॉमर्स के अंदर क्या होता है, आर्ट्स के अंदर क्या होता है। स्ट्रीम लेने से पहले आपके पास कुछ पॉइंट्स होते हैं जो मैं बात डिस्कस करूँगा। सबसे पहला जो आता है आपका इंटरेस्ट, कि दोस्तों आपका इंटरेस्ट क्या है, आपका इंटरेस्ट किस में। अगर मान लो किसी बच्चे का इंटरेस्ट है मैकेनिक चीज़ों में, उसको मशीनों को खोलना पसंद है, ठीक करना पसंद है, तो उस बच्चे का इंटरेस्ट है लाइक इंजीनियरिंग में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। जैसे कि उसके काम से इंटरेस्ट पता चल रहा है, तो उस बच्चे को क्या लेना चाहिए, साइंस लेना चाहिए। अब किसी बच्चे को क्या है, अकाउंट्स में यानी अकाउंट्स करना पसंद है, तो उसको क्या लेना चाहिए दोस्तों, कॉमर्स लेनी चाहिए। किसी को रीडिंग बुक्स रीड करना, बहुत टाइम तक लिखते रहना, हिस्ट्री जानना, हिस्ट्री के बारे में पहचानना, उसमें क्या हुआ था, सन इसमें क्या हुआ था, कौन सी क्रांति हुई थी, इस टाइप के जो इंटरेस्ट आते हैं वो उस बच्चे को क्या लेना चाहिए, आर्ट्स लेने चाहिए। और ये था दोस्तों इंटरेस्ट के बेस में कि आप कैसे स्ट्रीम ले सकते हैं। स्ट्रीम लेने से पहले एक और चीज़, आपका एक ड्रीम होना चाहिए। एक कोट आता है, लाइफ विदाउट ड्रीमिंग इज़ अ लाइफ विदाउट मीनिंग। मतलब क्या हुआ कि विदाउट ड्रीमिंग यानी विदाउट ड्रीम के आपका लाइफ का कोई मीनिंग नहीं रहता। तो जब तक दोस्तों आपका कोई ड्रीम नहीं है, तब तक के लिए आपकी लाइफ का कोई मीनिंग नहीं रह जाता। तो हर किसी पर्सन के लाइफ में क्या होना चाहिए दोस्तों, एक गोल होना चाहिए, एक ड्रीम होना चाहिए, ताकि वो उसको क्या कर सके, एट द एंड कंप्लीट कर सके। अगर आपके पास ड्रीम होगा तो आप लाइफ में अच्छे से सक्सेस पा सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला दोस्तों आता है हमारा साइंस। साइंस में दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है साइंस को। सबसे पहला आता है मेडिकल। मेडिकल में आप बात कर सकते हैं डॉक्टर बनना चाहिए, जिसको नर्स बनना चाहिए वो मेडिकल की लाइन में जाता है। नॉन मेडिकल में वो पर्सन जाता है जिसको क्या होता है, इंजीनियरिंग का शौक होता है। किसी को मैकेनिकल इंजीनियरिंग बनना होता है, किसी को होम डिज़ाइनर बनना होता है, यानी कैसे घर बनता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इन चीज़ों में जिसका इंटरेस्ट है वो नॉन मेडिकल में जाता है। आगे इसके बारे में अच्छे से बात करेंगे। अगला आता है दोस्तों हमारा कॉमर्स। कॉमर्स में दो कैटेगरी डिवाइड की गई है, विद मैथ और विदाउट मैथ। विद मैथ में दोस्तों आप पढ़ते हैं मैथ्स, और विदाउट मैथ्स में आप पढ़ते हैं विदाउट मैथ। इसमें क्या होता है, मैथ्स की जगह आपके पास हिंदी होती है, अभी इसके बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आता है आर्ट्स। आर्ट्स में तीन कैटेगरी होती हैं, इकोनॉमिक्स, नेक्स्ट ज्योग्राफी, अगला आता है सोशियोलॉजी। आगे देखते हैं, एक एक के बारे में देखेंगे कि उसके अंदर कौन से सब्जेक्ट पढ़ने वाले हो, कौन कौन से आपके करियर ऑप्शंस होते हैं, ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं साइंस स्ट्रीम के बारे में। इसमें दो कैटेगरी होती है, जैसे मैंने बताया, मेडिकल और नॉन मेडिकल। मेडिकल में आप जाते हो डॉक्टर की लाइन में, और नॉन मेडिकल में लाइक इंजीनियरिंग। इसमें जो आप सब्जेक्ट पढ़ते हैं वो होता है सबसे पहला केमिस्ट्री, नेक्स्ट फिजिक्स आता है, नेक्स्ट आता है मैथ्स, बायोलॉजी और इंग्लिश, और इकोनॉमिक्स, फिजिकल एजुकेशन। कहीं कहीं इकोनॉमिक्स और फिजिकल एजुकेशन दोस्तों क्या होता है, एडिशनल में आपके एडिशनल सब्जेक्ट होते हैं। मेन और कोर सब्जेक्ट होते हैं आपके केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स, बायोलॉजी और इंग्लिश। बायो और मैथ्स में क्या होती है, चॉइस होती है। अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों करियर ऑप्शंस क्या होते हैं इसके अंदर। करियर ऑप्शंस देख लेते हैं दोस्तों। सबसे पहला आता है मेडिकल के कौन कौन से बेस्ट करियर ऑप्शन है। सबसे पहला आता है दोस्तों इसमें आपका डॉक्टर। क्या बन सकते हो आप, डॉक्टर दोस्तों। नेक्स्ट आता है नर्स। क्या कर सकते हो इसके अंदर आप, नर्स बन सकते हो।
नेक्स्ट आता है दोस्तों फिजियोथेरेपिस्ट। आप क्या बन सकते हो? फिजियोथेरेपिस्ट। नेक्स्ट आपका इसमें 3 साल का कोर्स होता है, बीएससी कर सकते हो आप किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट में, फार्मेसी के लाइन में जा सकते हो आप, अपना मेडिकल खोल सकते हो, क्लिनिक के लाइन में भी जा सकते हो आप, रिसर्च के अंदर की जा सकते हो, रिसर्च कर सकते हो आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे, फिर आपके जाके आपके पास आपके नाम के आगे लग जाएगा डॉक्टर। एजुकेशनल और टीचिंग में भी जा सकते हो आप, स्पेसिफिक सब्जेक्ट को क्या कर सकते हो, अच्छे से स्टडी करके उसका एक टीचर बन सकते हो आप, क्या कर सकते हो, टीच कर सकते हो सब्जेक्ट को। अब देख लेते हो दोस्तों नॉन मेडिकल में, नॉन मेडिकल में सबसे टॉप और सबसे बेस्ट जो माना जाता है वो माना जाता है आपका दोस्तों इंजीनियरिंग यानी बीटेक। नॉर्मली अगर आप दोस्तों किसी से भी पूछेंगे तो नॉर्मली यही बोलते हैं साइंस वाले बच्चे कि मैं क्या कर रहा हूँ, बीटेक कर रहा हूँ, इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। आर्किटेक्चर बन सकते हो, जैसे मैंने बताया घर बनाने का आर्किटेक्चर, यानी घर का डिज़ाइन कैसे बनता है, कैसे उसका पूरा अंदर का स्ट्रक्चर कैसे डिज़ाइन किया जाता है, ये सारा आर्किटेक्चर के अंदर करते हैं। नेक्स्ट आता है डिफेंस सर्विस, डिफेंस की लाइन में जा सकते हो दोस्तों। अगला आता है बीएससी कर सकते हो, बीबीए कर सकते हो, लॉ बन सकते हो, इसमें आप वकील बन सकते हो, होटल मैनेजमेंट का कोर्स भी इसमें अंदर कर सकते हो। इसमें भी दोस्तों सिमिलर टू मेडिकल की जगह टीचिंग और एजुकेशन की लाइन में जा सकते हैं। साइंस के स्ट्रीम वाले बच्चों को एक और प्लस पॉइंट क्या होता है, बोनस पॉइंट भी कह सकते हो आप इसे, कि वो क्या कर सकते हैं, कॉमर्स और आर्ट्स वाली सारी चीज़ें भी कर सकते हैं, ठीक है। ये उनका होता है दोस्तों बोनस पॉइंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है दोस्तों कॉमर्स स्ट्रीम। जैसा कि मैंने बताया कॉमर्स उन बच्चों को लेना चाहिए जो क्या कर सकते हैं, उनको अकाउंटेंट या बिजनेस की लाइन में जाना पसंद है, या अकाउंट्स के बारे में जानना पसंद है, इंटरेस्ट है उनका कैसे अकाउंट्स को सॉल्व कर सकते हैं, अकाउंट्स का मीनिंग क्या होता है, किसी बिजनेस को कैसे रन किया जा सकता है, बिजनेस के अंदर क्या होता है, उनको अपना बिजनेस अगर ओपन करना है तो वो इन चीज़ों का जो भी इंटरेस्ट है वो क्या क्या बच्चे ले सकते हैं, कॉमर्स ले सकते हैं। इसमें भी 2 कैटेगरी होती हैं। सबसे पहले आती है दोस्तों मैथ्स और विदाउट मैथ्स। विद मैथ वाले होते हैं जो मैथ्स पढ़ते हैं हिंदी की जगह, विदाउट मैथ्स वालों को क्या मिलती है, मैथ्स की जगह हिंदी मिलती है। इसके सब्जेक्ट देख लेते हैं। सबसे जो मेन सब्जेक्ट होता है इसके अंदर दोस्तों आपका होता है अकाउंटेंसी, ठीक है। जो क्या सबसे मेन सब्जेक्ट होता है अकाउंटेंसी, और दोस्तों ये सब्जेक्ट मैं पढ़ाता भी हूँ, जिसको इंटरेस्ट हो अकाउंटेंसी पढ़ने में लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप अकाउंट्स की वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं इसके अंदर, मैथ्स पढ़ते हैं, और ऑप्शनल में आपका क्या होता है मैथ्स की जगह हिंदी, जो विदाउट मैथ्स ऑप्शनल में क्या होता है हिंदी, जो विदाउट मैथ्स लेते हैं। अगला आता है बिजनेस स्टडीज़, फिर इंग्लिश और फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन दोस्तों क्या होता है एडिशनल में होता है। इसमें अब जो बेस्ट करियर ऑप्शंस देख लेते हैं। सबसे पहला आता है दोस्तों सीए। सीए होता है दोस्तों 5 साल का कोर्स होता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट। ये सबसे बेस्ट कोर्स माना जाता है किसके, अकाउंट्स के बच्चों के लिए, और बहुत सारे बच्चे इसको करते भी हैं, बहुत अच्छा करियर ऑप्शंस होता है। नेक्स्ट आता है आपका दोस्तों सीएस, कंपनी सेक्रेटरी, यानी क्या कर सकते हैं, ये लड़कियाँ ज़्यादातर करते हैं, बट लड़के भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है दोस्तों बीकॉम या बीकॉम ऑनर्स। बीकॉम वो बच्चे करते हैं जिनको क्या होता है ऊपर से बीकॉम की यानी अकाउंट्स की नॉलेज लेनी होती है। बीकॉम ऑनर्स वो बच्चे करते हैं जिसको किसी एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट यानी डीप में जाके सब्जेक्ट को पढ़ना होता है। नेक्स्ट आता है बीएमएस, बीएफएस, और इसमें भी साथ के साथ क्या कर सकते हो दोस्तों आप एजुकेशन और टीचिंग की लाइन में जा सकते हो, या अकाउंट्स पढ़ा सकते हो, बिजनेस पढ़ा सकते हो, इकोनॉमिक्स पढ़ा सकते हो। अभी तक दोस्तों आप वीडियो में बने हुए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है दोस्तों आर्ट्स। आर्ट्स में जैसे कि मैंने बताया इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी और सोशियोलॉजी 3 स्ट्रीम में डिवाइड किया जाता है, और आर्ट्स वाले वो बच्चे लेते हैं जिनको क्या होता है हिस्ट्री पढ़ने में, ज्योग्राफी के बारे में जानने में, डेट याद करना में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लॉन्ग लॉन्ग आंसर लिख सकते हैं, वो रीडिंग कर सकते हैं 4-4, 5-5 घंटे बैठ के, तो उन बच्चों को क्या लेना चाहिए, आर्ट्स लेना चाहिए। इसमें सब्जेक्ट देख लेते हैं। सबसे पहला आता है हिस्ट्री पढ़ेंगे आप, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी, ये क्या होती हैं ऑप्शनल होती हैं, जो स्ट्रीम पर डिपेंड करते हैं आप कौन सी स्ट्रीम लेते हैं। नेक्स्ट आता है पोल साइंस, फिर हिंदी पढ़ेंगे, फिर इंग्लिश, फिर फिजिकल एजुकेशन। इसके भी देख लेते हैं दोस्तों करियर ऑप्शंस होते हैं। करियर ऑप्शन क्या होता है, लॉ कर सकते हैं इसके अंदर भी आप, होटल मैनेजमेंट भी कर सकते हैं, इसमें आप बीए कर सकते हैं, हॉस्पिटल की लाइन में जा सकते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट आता है इसमें भी आप एजुकेशन और टीचिंग में भी जा सकते हैं, यानी आप किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट का टीचर बन सकते हैं और पढ़ा सकते हैं। इसमें भी आप गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट दोनों में जा सकते हैं। अगला आता है आफ्टर ग्रेजुएशन कुछ कोर्स कर सकते हैं आप, आर्मी हो गया, रेलवे हो गया, या नेक्स्ट आता है सिविल सर्विसेज में भी जा सकते हैं। अगला आता है म्यूनसिपल के अंदर भी जा सकते हैं, यहाँ पर आप सारी होती हैं गवर्नमेंट जॉब।
साथ के साथ आर्ट्स वाले बच्चे क्या कर सकते हैं, आईपीएस होता है, ये यूपीएस होता है, ये सारे क्रैक कर सकते हैं, एग्ज़ाम प्रिपरेशन करनी होती है, ये सारे कोर्स दोस्तों आफ्टर ग्रेजुएशन होते हैं। ये था दोस्तों हमारे स्ट्रीम के बारे में कि कैसे स्ट्रीम को चूज़ करते हैं, क्या क्या ऑप्शंस होते हैं करियर ऑप्शन, कौन सा इंटरेस्ट होना चाहिए। आई होप दोस्तों आपको पसंद आया होगा वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए बाय, टेक केयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।